ठीक है, देखिए सबसे पहले केस फाइंड आउट कीजिए, टोटल कितने स्टूडेंट है? इन अ रो ऑफ 35 स्टूडेंट्स, x इज 29 फ्रॉम राइट एंड y इज 27 फ्रॉम लेफ्ट, z इज एक्जेक्टली मिड ऑफ x एंड y, z जो है x और y के एकदम बीचों बीच में बैठा है, तो बताइए कि व्हाट इज द रैंक ऑफ z फ्रॉम लेफ्ट। तो सबसे पहले केस फाइंड आउट करेंगे, दो अलग अलग पर्सन का जो रैंक दिया हुआ उसको ऐड करेंगे, 29 और 27 दोनों को ऐड करेंगे तो 35 से ज्यादा होगा ना, यानी ओवरलैपिंग केस का क्वेश्चन है। ओवरलैपिंग केस का क्वेश्चन किसको बोलते हैं? लेफ्ट से जिसका रैंक है ना, वाई का लेफ्ट से 27 है तो वाई उधर चला जाएगा, फेस लेफ्ट साइड से ही रहेगा, ठीक है। वाई का लेफ्ट से बोलाए तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये इधर नहीं ओवरलैप होके उस पार चला जाएगा, तो वाई का लेफ्ट से 27 है और एक्स का राइट साइड से देखने पर 29 है, एक्स का राइट से देखने पर 29 है, एक्स राइट कॉर्नर में बैठा है वैसा कहीं लिखा हुआ नहीं, ठीक है 29 है। इन दोनों के एकदम बीच में एग्जैक्टली मिडिल में कौन बैठा है? जेड बैठा है। तो एग्जैक्टली मिड किस, एग्जैक्टली मिडिल में एक एक व्यक्ति है जेड नाम है, यानी ऑड नंबर ऑफ पीपल होंगे, एक्स और वाई के बीच में विषम संख्या के लोग होंगे, तो पता करते हैं बिटवीन, बिटवीन का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो ओवरलैपिंग केस में बिटवीन का फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल प्लस टू, यहाँ बिटवीन है तो टोटल ले लेते हैं, ठीक है टोटल प्लस टू, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल प्लस टू, तो लेफ्ट राइट कितना हो गया 56 माइनस टोटल 35 है, 37 लोग हो जाएगा, कितना हो गया 19 ना, ठीक है। तो x और y के बीच में 19 लोग बैठे हैं, तो 19 लोगों के एकदम बीच में z है, एकदम बीच में z है, यानी इधर कितना होगा 9 18 और z को मिलाकर 19, तो यहाँ 9 पर्सन है और यहाँ पर भी 9 पर्सन है और यहाँ पर z है। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रैंक ऑफ z फ्रॉम लेफ्ट, z जो है ना इसका लेफ्ट से देखने पर, यहाँ से गिनने पर, तो उसको अलग से दिखा रहे, z का लेफ्ट से देखने पर कितना रैंक है लेफ्ट से देखने पर, तो देखिए जब जेड का लेफ्ट लेफ्ट साइड से पूछा जा रहा है तो इस डायग्राम में देखिए कि और कोई पर्सन है जिसका पहले से ही लेफ्ट साइड से गिवन है, देखिए क्या नाम है, तो यहां से देखने पर ये क्या है 27 है, जैसे मान लीजिए लालपुर चौक है, लालपुर है और यहां से ये रामगढ़ है और यहां से देखने पर ये बूटी मोड़ है, तो जब रामगढ़ 27 किलोमीटर है तो बूटी मोड़ तो कम ही होगा, ठीक है, तो 27 में से क्या करें घटाना पड़ेगा तब नहीं यहां पहुंचेंगे, तो दो लोगों का फेस सेम डायरेक्शन में हो और यदि आगे वाले का रैंक दिया हुआ हो, अब पीछे का रैंक पता नहीं है तो माइनस करते हैं, तो 27 में से माइनस कीजिए, कितना माइनस करेंगे 10 माइनस कर दीजिए ताकि डायरेक्ट इसका रैंक निकल जाएगा, तो 27 माइनस 10 कितना 17, तो जेड का रैंक लेफ्ट से देखने पर 17 हो जाएगा, सही था आपका 17, आप लोग कितना बोले था, अच्छा 17, कोई 20 या 21 बोल रहे, 17 होगा इसका आंसर।